हेलो। निम्नलिखित एडवर्ब बीएल का प्रयोग आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है। हम जो आज पढ़ेंगे एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स, उनका प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि आज हम देखेंगे कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं, कौन से ऐसे एडवर्बियल्स हैं जिनका प्रयोग हम किस कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, देखिए कौन से एडवर्ब और एडवर्बियल्स हैं। येट, इसका अर्थ है अब तक, अभी तक। एज येट, जस्ट, इसका मीन्स है तुरंत। जस्ट नाउ, ऑलरेडी, पहले से ही, पहले ही। रिसेंटली, हाल में। रिसेंटली का मतलब है हाल में, यानी कि अभी, है ना? जैसे कि लेटली, हाल में। फ्रीक्वेंटली, प्राय। सो फार, अब तक, जहाँ तक। फॉर, सिंस, दिस मॉर्निंग, इवर। इनका प्रयोग एडवर्बियल के रूप में करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इवर, इवर मीन्स हमेशा। इवर मीन्स क्या होता है? हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं। वंस, ये जो वर्ड्स जो इंग्लिश वाले हम मीनिंग्स देख रहे हैं, इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। ओकेजनली, कभी कभी। ओकेजनली, ओकेजनली, कभी कभी। ऑफन, प्राय। सेवरल टाइम्स, अनेक बार। अप टू नाउ, अभी तक। अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, इत्यादि। कहने का मतलब, ये जो वर्ड्स हैं, येट, एज येट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, फ्रीक्वेंटली, सो, फार, फॉर, सिंस, दिस मॉर्निंग, इवर, नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। अप टू द प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान समय तक। ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं, इन जो एडवर्ब्स एडवर्बियल्स कहलाते हैं, इनका हम प्रयोग किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल देखिए कैसे। द बस हैज नॉट लेफ्ट येट। तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव होता है ना, हैज हैव आता है वर्ब में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैज हैव। तो देखिए येट वर्ड है ना, येट आ गया ना। इसी प्रकार से सेकंड में आई हैव जस्ट, जस्ट भी हमने पढ़ा था इसी में, देखो ये रहा जस्ट, तुरंत। येट मीन्स अब तक, अभी तक, ठीक है। जस्ट, तुरंत। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द जॉब। तो हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। थर्ड नंबर, द ट्रेन हैज लेफ्ट ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही, पहले ही। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, हाल में। तो ये इनमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ठीक है। इस टेंस के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम काम में नहीं लेते हैं गो का प्रयोग। गो जो मेन वर्ब होती है ना, उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन हम अनजान में या मालूम नहीं होता है तो हम करते हैं, लेकिन वैसे एक्चुअल में हम गो का प्रयोग नहीं किया जाता इस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गो का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है भूतकालिक समय सूचक शब्दों, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग भी नहीं होता है भूतकालिक, यानी कि पास्ट वाली। जैसे कि 2 ईयर्स एगो, यानी कि पास्ट वाली बात है, 2 ईयर्स एगो। या यस्टरडे, ये वर्ड्स, यस्टरडे का प्रयोग भी हम किस में नहीं करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये पास्ट का मतलब है, ये पास्ट शो करते हैं, टू ईयर्स एगो पास्ट का हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट में कर सकते हैं, है ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट के जो भी हैं उनमें आप पास्ट में कीजिए मतलब, लेकिन हम प्रेजेंट में नहीं कर सकते। ये एगो का मतलब पहले, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। तो देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस, आई हैव सीन हिम टू ईयर्स एगो, तो ये टू ईयर्स एगो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लगता है, तो या तो इतना ही रखो इसको आई हैव सीन हिम, तो ये नहीं रखेंगे, या फिर पास्ट के लिए रखो आई सा हिम टू ईयर्स एगो तो करेक्ट होगा, आई सा हिम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में है ना, ये आई सेकेंड फॉर्म लगती है ना पास्ट इंडेफिनेट में, आई सा हिम टू ईयर्स एगो। ऐसे अगला एग्जाम्पल है, फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम कोलकाता यस्टरडे, यानी कि पिताजी कल कोलकाता से आए, कल यानी कि बीत चुका है कल, तो यस्टरडे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आ सकता, पास्ट में आ सकता है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, या तो यस्टरडे को हटा दिया जाए, फादर हैज़ रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, यानी कि कोलकाता से पिताजी आए, इतना ही रहने देते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग हम नहीं करते, है ना, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग हम किस में करते हैं, किस में करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग, हम पास्ट टेंस में, किस में करेंगे, पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करेंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेसन में।